बारबेक्यू नहीं, अपन ऊपर देखेंगे सब। द बॉयज ट्रिप है लेकिन बजट ट्रिप करना अपने को, महंगा पड़ता है कि सस्ता पड़ रहा है? अभी ये क्या है, डीमार्ट पर 127 रुपए का कितना पड़ रहा है अपने को? 250 × 8 है ये देख, 8 बॉटल का 127 रुपए, 250 ml है, भारी 20 रुपए का बेचते हैं, 160 रुपए का। चलो फिर बड़ा क्या बोलते हैं, दो 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 लोग कहाँ से प्रकट हो गए बे? इधर नीचे नीचे उठा ले लिया ना, मोटा वाला उठा ना, बादल बादल के साथ पेटे देख, कोई सेंस है इस बात की? सुकून से शॉपिंग कर रहे थे, दो और आ गए। अभी ये कौन सा जूस है वेदिका? अबे साले, अच्छा अलग अलग फ्लेवर है क्या? बेला बेटा लेट है। चलो तो फिर लड़ते झगड़ते कितना बज गया प्रदीप? 9 बजे साले, 9 बज गया, 8 बजे निकलने का प्लान था, 9 बज गया, किसकी वजह से मालूम नहीं, तेरे वजह से नहीं भाई, मेरे वजह से नहीं। रहने दे, चालू रहने दे। अभी एग्जैक्ट बज रहा है घड़ी में 9:30 और हम लोग को टूर जाना है बदलापुर, जो कि यहाँ से एग्जैक्ट 65 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर चल चुके, 60 किलोमीटर और अपने को चलना है। अभी टूर हम लोग घाट को सिग्नल पे खड़े, दो बाइक है जिसपे 4 लोग बैठे हैं, बाकी 4 लोग इस गाड़ी के अंदर, टोटल एक इधर बैठा है और ये 2 पीछे बैठे। बट ठीक है, 2 कार जाने का प्लान था बट एक कार नहीं मिली तो एक ही कार में सब एडजस्ट होके जा रहे हैं। तो जस्ट ये सील फाटा हाईवे पे हम लोग है और जो अपने राइट मारना है, ये राइट यहाँ से जाने के लिए बंद है, तो टूवर्ड्स मुमरा से अपन राइट मारने वाले, बाकी दोनों बाइक वाले इधर आ चुके। बट बाइक का ट्रिप अलग होता है, कार से करे तो बहुत लेजी लेजी लग रहा है, ठीक है कर लेंगे। ये तो कॉमन है, देखो जहाँ गाड़ी रुकती वहाँ पे सुसु आ जाती है, उधर पहुंच गया पानी देने के लिए। हाँ ये बच्चे लोग हाथ पड़ गए, चलो इसके वड़ा पाव में ऐसा क्या है मालूम नहीं, बट इस रोड से जाते तो आदमी यहाँ पे रुक ही जाता है खाने के लिए, ठीक है खा ले तो उसमें क्या पहुंच गया, कुल्लर ठेचा वड़ा पाव, ये जाओ रे टोकन लो फटाफट। एक वड़ा पाव समोसा के लिए इतना चिल्लाट कर रहे तुम लोग? चलो ऑल सेट, नाश्ता डन, अब पियेंगे चाय और फटाफट यहाँ से निकलते, काफी लेट हो चुका है। कॉफी वाला आदमी है लोग, सुबह की दूसरी चाय। 2 hours later, मोस्ट बदलापुर, यहाँ से और 10 किलोमीटर अपने को जाना है, बस एक केक लेंगे, मेडिकल से थोड़ा दवा लेंगे और टूवर्ड्स यहाँ से सीधा फार्म हाउस निकलेंगे। अभी कितना बजे टाइम बता, पागल हो गए यार एकदम धूप, मतलब क्या ही बोले सर, जाके पौने बारह ऐसा लग जाके कूद जाओ तुरंत पानी के अंदर यार। अभी भी हम लोग और 10 किलोमीटर यहाँ से और आगे जाने का, अभी इतना गर्म में केक पिघलना चाहिए, हालत हो गया। अगर यही रोड बारिश में होता तो मुझे नहीं लगता इतना साइलेंट रहता, बहुत प्यारा रोड है एक्चुअली, मुरबड़ हाईवे रोड है और रात में तो मुझे लग रहा है अच्छी अच्छी की हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, सिर्फ और सिर्फ जंगल है दोनों तरफ। और रस्ते में इतना वीडियो बना नहीं रहा, मतलब गर्मी तो मार ही रही है, प्लस हम लोग ऑलरेडी 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम चुके हैं, तो बस जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंचना है, यहाँ से ऑलमोस्ट और 4 किलोमीटर हम लोग को दिखा रहा है जाने के लिए। बट जैसा जंगल दिख रहा है इसी जंगल रहा तो ठीक है, बट थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है यहाँ पे, लेट्स सी एक बार फार्म हाउस पहुंचते अगर वाईफाई मिल गया वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ ही नहीं कर सकते फिर। चलो तो फिर हम लोग थोड़ा आगे थे बट टूवर्ड्स फार्म की तरफ पहुंच गए हम लोग, अच्छी जगह, देखते हैं यहाँ पे रात में मौसम कितना ठंडा होता है। पहुंच गए, ये बहुत अच्छा, देखो दस टूवर्ड्स उधर से हाईवे रहता है, हाईवे से थोड़ा सा उतर के इधर आता है। चलो अंकल आगे भी गेट खोलते हैं, जाते हम लोग अंदर, आ जा बैठे अभी फटाफट। चलो ठीक है, एंट्रेंस काफी अच्छा लग रहा है, अभी उतर के इसका आपको एक वॉक देंगे बाद में। अरे हम लोग स्टेशन पे घुस गए, इसके लिए हम लोग फंस गए पूरा, गाड़ी स्टेशन से लेके आ गया पूरा अपने को। चलो देखने में छोटा लग रहा था, काफी काफी अच्छा बड़ा फार्म हाउस है। ए गहरा कितना है? अरे बस हो गया, इतना भी ठीक है। चलो अभी हल्का फुल्का गर्म है यहाँ पे, चलो देखते एक बार रूम कैसा है अपना अंदर।
हाँ 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 वाह अरे हरी वाह। अब टाइम एक आपको रूम टूर देता हूँ, रूम टूर काफी अच्छा है। जैसे कि आप देखो वहाँ से जस्ट आप एंट्री करोगे इधर पे आपको गार्डन मिला है, ये अंकल है जो यहाँ पे पूरा संभालते हैं। ये एक रूम जिसमें देखो आते ये लोग पैंट भी नहीं उतारे सीधा पानी में कूद गए, कुछ लोग थोड़ा वहाँ पे नहाने लग गए। एक ब्लूटूथ स्पीकर आपको मिल जाता है यहाँ पे जो कि इसका एक मेन एंट्री है। तो ये हॉल हो गया, हॉल के साथ ये एक अटैच्ड बाथरूम और एक किचन मतलब मास्टर बेडरूम एक इधर है दो, इसके अंदर भी वॉशरूम है और ये है तीसरा जो कि इसमें वॉशरूम नहीं मतलब इस अटैचेबल जो थोड़ा बाहर है डोर। ये हो गया किचन जो कि आप इसको यूज कर सकते हो पूरी तरह। फ्रिज काफी अच्छा बड़ा दिया है इन्होंने देखो, मतलब पूरे पानी अच्छे से इसके अंदर दबा के भर सकते हो। डबल डोर है इसमें क्या है। फिर ये है अपना बैक डोर पीछे से एंट्री करने के लिए जहाँ पे देखो अपनी गाड़ी लगी है और ये है बाइक, मतलब पूरा इतना बड़ा फार्म हाउस है काफी अच्छा है। बट मुझे लग रहा बारिश में और अच्छा मजा आएगा यहाँ पे, मतलब बारिश में घूमने लायक जगह है। फिलहाल तो हम लोग बारिश में ही नहीं है और जो भी एक्सपेंसिव सामान है वो बोला अगर आपको कमरे में रखना है रख सकते हैं, तो अदरवाइज देखो सब लोग यहीं पे सब रख दिया है। चलो जाता हूँ मैं भी अब थोड़ा नहा लेता हूँ। हो गया सब लोग का सब ले देखे हो गया सब, ट्रैक पैंट पहन आएगा तू? चल ठीक है, चलो फिर मिलते आपको सीधा स्विमिंग पूल में। पानी भी हल्का गर्म हो गया है, मतलब अब क्या ही बताओ अभी, मतलब पानी के अंदर है तब तक अच्छा लग रहा है लेकिन पानी भी ना हल्का सा वार्म हो गया है, फ्लोर तो काफी ज्यादा गर्म है। चलो कोई नहीं, अरे आ गया आ गया आ गया काका, बारिश भी चालू रहता है। चलो अच्छा है, पानी कोई नहीं उड़ाएगा। अरे अपा छपा करना झाले पाणी मोबाईल मध्ये आहे संभालो, वॉटरप्रूफ वॉटरप्रूफ नाही मेरा वॉटरप्रूफ नाही आहे। राइट नाउ टाइम इज 2:51। फिलहाल यहाँ पे देखो वापस से सब स्विमिंग पूल में कूद के नहा ही रहे, मतलब आप मानोगे नहीं लास्ट कितना है 2 घंटा हो गया ना, 2-2.5 घंटा हो गया पानी में कूद रहे, चकली खा रहे, नमकीन खा रहे, बट अभी तक हम लोग का खाना आया नहीं है। एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज मिल रहा है। अभी 20 मिनट बोला है आप बर्फ के साथ, 20 मिनट बोला आधा घंटा ले लेकिन बर्फ लगे थे बिकॉज ये विला में ना फ्रिज का बहुत ज्यादा इशू है, मतलब कैसा है फ्रिज जो है ना पानी ठंडा ही नहीं कर रहा है। आओगे तो सोच समझ के आना इस चीज के लिए। 2 घंटे की रेस्ट के बाद जाके अब देखो किधर खाना यार, लोग को मतलब लंच टेबल चाहिए नहीं इसी में सब चालू हो गए खाना। वाह सही है, लाओ भाई चलो हम भी इधर बैठ जाते तेल लेने क्या लाओ रे भाई। खाने में है अपने को ये चिकन, ये चिकन क्या नाम बोला था, अंगारा। चिकन अंगारा और ये क्या ये भाकरी ना, चावल की भाकरी और एक कांदा और अपने पास राइस है, दाल भी एक्स्ट्रा दिया है उसने। चलो अभी फटाफट खाना खत्म करते, ऑलमोस्ट 4 बज गया ना, 4 बज गया, 2 बजे खाना होना लेकिन 4 बजे खाना रहे, चलो खा ही लेते अभी। समय 4:30, खाना खा के हो चुका है, सब यहाँ पे एक बैठे टाइम पास
खाली कलर वाला पत्ता खेल रहे, सामने टीवी एवेंजर एंड गेम चालू है। बट इस हॉल का एक डिसएडवांटेज मुझे ये लग रहा है ना, चार्जिंग स्पॉट किधर भी नहीं, जैसे तो वो टीवी के लिए दो वहाँ पे दिया है, बाकी इधर किधर भी सोफे पे नहीं है, इवन वहाँ पे एक दिया जो कि वर्क भी नहीं कर रहा है, मतलब चार्जिंग करने के थोड़े इश्यू है, बाकी और कुछ नहीं। ये कितना बजा, छः ना, कितना बज रहा है, 5:45 का टाइम, सब थक के चूर, बस अभी तो चालू है प्ले, खेल रहे क्रिकेट है लोग, आराम से खेलना जा रहा है, इतना जोर से मारेगा अभी, चलो काफी लंबा है रे, ओवर भी कर सकते हैं, मतलब थक गए यार। अरे बहन, विला में सब चीज अच्छा है, बट फूड का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि फूड बाहर से आता है पर प्लेट वाइज आता है। दूसरी बात, तीनों रूम में एसी है बट चिल्ड किसी में नहीं हो रहा है। अब बाहर वेदर का दोष, बाहर वेदर बराबर नहीं है या एसी कम लगाया, बट तीनों रूम में एसी है, बट अगर तीनों एसी एक साथ ऑन कर दोगे तो एक भी एसी चिल्ड बराबर नहीं होता है। अब क्या है मुझे समझ में आ रहा है। एक डिसएडवांटेज बताओ जरा फार्म हाउस का किसी को। डिसएडवांटेज मतलब खाना बाहर से आता है, खाना तो चल मैंने वो बता दिया बाहर से आता है, और प्लस हाँ इनका स्पीकर बराबर नहीं है जो हिसाब से हम लोग सोचे, ठीक है ना, वो स्पीकर छोटा है, वो मैनेजेबल अपन कर लेंगे। और तीसरी बात, इनका एसी बराबर नहीं, एसी तो मैं वही पॉइंट मैंने वो बोला, खाना और एसी। और दूसरी चीज सॉकेट का बोला, वो ध्यान देना, अगर कभी आप इस रिसोर्ट में आते हो ना तो एक ही रिक्वेस्ट है ना, एक्सटेंशन बोर्ड आप लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सटेंशन बोर्ड मतलब है ही नहीं किधर भी, कुछ भी टीवी का निकाल के अपने वो चार्जिंग पे लगाना पड़ रहा है, ये हालत हो गई है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले विला में चाय आया था, मतलब इससे बेकार सर्विस मैंने अभी तक नहीं देखा। बस सीन क्या है मैं आपको बता दूं, देखो मतलब ईच एंड एवरीथिंग है, बाहर से पार्सल कर रहा है, जैसे हर एक चीज को बुक करके रखा है। अभी बिरयानी वाला है, वो 6 बजे बिरयानी देके चला गया, हमको खाना है 10 बजे, अब वो गर्म तो रहेगा नहीं, हमको वैसे ही खाना पड़ेगा। चाय बोला तो थैली में देखो पार्सल करके कप में ला के दिया, मतलब वैसे ही पी लो, मतलब ऐसा लगा था कि यहाँ पे कैंटीन टाइम कुछ रहेगा, ये हमको बना के देंगे टाइम टू टाइम, बट वैसा कुछ भी सर्विस नहीं दे रहे, सब बाहर से आ रहा है एकदम, मतलब क्या बोलेंगे यार, अभी छोड़ो। 7 बज गया, बनाना है कि नहीं कुछ, ए बनाएंगे कभी, अभी ये कौन सा गेल खेल रहा है यार, छीन भी नहीं पा रहा उससे, गिरी छीन भी नहीं पा रहा है, पानी मार पानी मार, पानी जोड़ा पानी जोड़ा, चलो तो फिर अब काफी टाइम हो गया, नहा धो के सबका हो गया, एक प्लेयर अपना थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, उसके पैर पे लग गया, ये बादल अभी गाना बंद कर दे, पूरा बंद कर दे एकदम, और अब जाके देखो हो रहा अपना इधर बारबेक्यू। फिलहाल तो पेट्रोल तो हम लोग ने लिया नहीं, तो गाड़ी में देखो कपड़ा भिगा भिगा के लाके चला रहे, कितना 4 किलो कोयला लाया ना, 3 किलो कोयला लाया, 3 किलो चिकन भी है, और खाने वाले 8 लोग है। ठीक है मजा आ गया, काफी अच्छा है, स्विमिंग पूल भी अच्छा, बट गर्मी है ना तो स्विमिंग पूल का पानी भी काफी गर्म हो जा रहा है, अदरवाइज विला ठीक है काफी, इतना मैं उसको 0 रेटिंग भी नहीं दे सकता, अच्छा विला है। लेंगे पेट्रोल इसका, क्योंकि हमारे पास पाइप नहीं है ना, तो ये एक छोर को पकड़ते ऐसा डाल देते अंदर, पूरा पेट्रोल जाएगा अंदर तक, बट इसमें नहीं बोल के भी एक अपना 100 ग्राम 150 ग्राम तो पूरा ये खींच के ले ही लेगा अंदर। जा बात ये हमारा बारबेक्यू रेडी होते हुए लग गए अच्छे से, अच्छे से बोलो तो फिर भी देखो बोल नहीं सकते क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा कोयला पकड़े हैं, मुझे लगता है वापस से एक बार पेट्रोल लाना पड़ेगा, मैं तो मैं क्या होता था गाड़ी लाके पलट देते भाई, पर गाड़ी भी बना देंगे। लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं, बरोबर ना, बरोबर मुझे याद है फर्स्ट टाइम कर रहा बारबेक्यू, और ये लोग तो काफी टाइम कर चुके हैं, ये जो चड्डी वाला बैठा है रंगीला चड्डी वाला ये बहुत टाइम कर चुका है, तो इसलिए सेक्शन इसी को दिए कि तू कर सिर्फ हम लोग खाने आएंगे बस। राउंड 3 कोयला जल ही नहीं रहा है, अब थोड़ा बड़ा कपड़े में पेट्रोल लाके लगाए, देखो अभी कितने देर में जलता है ये, लास्ट 1 घंटे से हम लोग मेहनत कर, अंकल आए देखो 10 मिनट में जला दिया गैस पे से, एक किधर है बारबी कोयला बहुत लाल कर देते उसके बाहर, आ जाओ आ जाओ अंकल आ जाओ आ जाओ, आपका स्वागत है। सम टाइम तजुर्बा इज मैटर, हाँ देखे कहो ये आवा हो बारबेक्यू वाले, वो आ रहा है, वो बोला नीचे पूरा डाल, बाद में ऊपर डाल।
चलो फाइनली, चलो फाइनली अब जाके मुझे लग रहा बनना चालू होगा। एक घंटा हो गया तब से कुछ बन नहीं रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि आग जल गया तो फिर बन जाएगा। चलो प्लान में थोड़ा चेंजेस है, आगे एक जगह फैन है वहाँ पे लेके जा रहे, वहाँ पे ये बनेगा। चल वहाँ पे चलो, वहां से चल। चलो हो गया प्रदीप, चल आग लग गया बहुत मजबूत वाला वो भी। चलो जैसे बुझने को आए ना तो तोड़ के कोयला भी। शेफ भैया खुश हो अभी आग जलने से? चलो सही है। और एक स्नैप ली। मैं क्यों बाइक में बोल रहे थे? हाँ एक मोटी प्लेट है, एक प्लेट और उधर, दो दो प्लेट है इसमें, घी भी है, घी हो रहा है इसमें, भर दे से भर दे इसमें, भर दे हाँ इसमें भर दे। चलो चलो पहला तीन सली सिल्ली अपना लग चुका है। एक हर हर टिप की कहानी होती है ना, एक वेज वाला रहता है माजा वाला, वैसे देखो अपने ग्रुप में गुजराती है जिसके लिए पनीर आया है। पनीर स्टफ आधा किलो था पूरा, उसको एग्जैक्ट रेडीमेड मसाला था, उसको लगा के पूरा वो कर दिया, उसको थोड़ी देर रख दे, मैं तो बोलता 10 मिनट उसके बाद ये लगेगा। हाँ उसके बाद 10 मिनट में और अच्छे से वो हो जाएगा। फिर ये एक एक पीस हम लोग ट्राई कर लेंगे। वेज का अपना सेफ अलग है, अपने आप से घुमाना। गिरी अपने को वेज बना के खिला रहे हैं और पाल अपने को नॉन वेज था, लेकिन पाल अभी गिरी वेज बना देना, पनीर बना रहे हैं। पनीर चिकन बना रहा है ये, दूसरा सलिया देना एक टन करने के लिए। बादल ये सलिया दे दूसरा, पानी गरम है भाई। अरे ना काला कर रहे तुम लोग। अरे नहीं मेरे भाई ये बहुत बड़ा बड़ा पीस है ना, तो टर्न होने को बहुत टाइम ले रहे हैं। पासवर्ड बताने का यही नतीजा होता है, देख उसकी एड उसके किसी ऑफिस के फ्रेंड को फोन लगा के ये लोग बात कर रहे हैं। वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो चीज। रात का 10:30-11 बजने आया है, बस करो कि वही खेल खेलोगे। मतलब यार लोग में थकावट नाम की चीज है ही नहीं, 11 बज गया अभी तक यही सब चालू है लोग का। हालांकि देखो सब चिकन विकन सब यहीं पे ऐसे ही पड़ा है सब। बड़ा नींद बहुत मजबूत आने वाली है, क्योंकि मतलब अब क्या ही बताओ, बॉडी इतनी थक गई है ना स्विमिंग पूल में खेल खेल के। और अब जल्द से जल्द ऐसा रहा कब जाओ घर पे, खाना अंदर रखा है वो खाना चालू करे और सो जाए। कितना बजे रात का? 12 बज गया, 11:40 थक के सब चूर, एक इधर चार, बाकी सब रूम में बैठे। मेरे को लग रहा है ना अपन वो क्या बोलते हैं, आज विलास ज्यादा मस्ती नहीं किए थे लग रहा है। नहीं किए अपन, खेले गए ना, खेले भी ले ना, अगले दिन क्या बारिश का मौसम था ना। हाँ वो टाइम बारिश था ना तो मजा आ रहा था, अगले दिन बाहर थे मतलब। हाँ इधर मेन वो भी बनाने वनाने में अपना बहुत टाइम चला गया, वो सही था। हाँ उसमें टाइम हम गया तो चलो ठीक है, अच्छे से खा पी लिए सब लोग। देखो तो बिरयानी इधर ला के रखे सब लोग, एक के बाद एक सब लाइन से उठ के आ रहे खाने के लिए। चलो तो फाइनली फिर बिरयानी का डेक अपना खुल गया। ये भाई अपना बोनलेस ढूंढ रहा है, मेरा इधर एक उधर चालू है, एक उधर जमेगा नहीं भैया, बाकी एक दो लोग सोए अभी, धीरे धीरे सब खाना चालू करेंगे। लास्ट फार्म हाउस था सब ना, सॉरी सब इतना टू कि केक काटने की हिम्मत ही नहीं थी, उठा उठा के कटवाए थे याद है? वो वाले बेटा उठा उठा के केक कटवाए थे सबसे। बट अभी इसमें बर्थडे बॉय बाहर फोन पे बात कर रहा है, वो आएगा तो केक काटेगा। ऑलमोस्ट 12:30 के ऊपर हो गया, बट सब एकदम नींद और आलस में है कि मतलब तेल लेने का केक काटने को ऐसा हो गया, फिर भी काट रहे केक। ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं क्या, जैसे फ्रिज में देख नहीं रहा था क्या है वो? मेरे बॉस चल काट फटाफट। उसके हाथ से खराब दे बोला, उसके हाथ से केक नहीं खाऊंगा बोला था। साफ करने बोलो।
2000 years later. Good morning. This is day 2. दूसरा दिन है. हालांकि अभी सुबह का 9 बज गया है. 6-7 बजे उठे थे, बट एक बंदा उसमें से जा चुका है और ये लोग सुबह 7 बजे से वापस स्विमिंग पूल में कूद गए. बाहर बैट बॉल खेलने नहीं हो रहा, पूल के अंदर जाके बैट बॉल खेल रहे हो. बस सही है, बट अभी गर्म नहीं है, बट गर्मी लगना वापस से चालू हो गया. मतलब ऑलमोस्ट 9 बज गया है ना, तो 9 बजे का थोड़ा मौसम गर्म हो ही जाता है यहाँ पे पूरा. मतलब अब क्या ही बताओ, एक अलग ही लेवल का धूप है. छतरी रहता तो छतरी लेके घूम भी सकते थे, बस छतरी था नहीं तो मेरे पास ये वाला पड़ा था, केबल वाला ये उखाड़ के ले लिया अभी कंधे पे लेके, बस ये घूम रहे भी इसको. छतरी लेके खड़े रहो धूप में, खड़े खड़े कंटा लिया. तो अभी लंच नाश्ता काफी लेट हो गया, 8 बजे नाश्ता आने वाला था, बट 8 बजे भी नाश्ता अभी तक आया नहीं है, 9:30 होने आ गया है. चलो अभी जाते छतरी को लगाते अपने जगह पे और सीधा. Just want me crying over you. I'm thinking about you. सेशन पूरा नहा के हो गए, फाइनल राउंड था, बस यहाँ से बाहर है. अब सब कपड़ा चेंज करेंगे जाएंगे. कैसा लगा? मस्त, ठीक है. चौबीस घंटा पानी में भीग के, पानी में नहाने बहुत मजा. हम लोग ऑलमोस्ट खाली रात में जो हम लोग 12:30-11:30 इसमें से बाहर आके बाहर रुके थे, उसके बाद वापस सुबह 6 बजे लोग पानी में कूद गए नहाने के लिए. वो मैं आपको अंदर कार में बैठ के पूरा सर्विस सब बताता हूँ एक बार क्लियर. बाकी इनको बाहर निकलने का दिल ही नहीं है. ए भाई, तुम लोग पर पर्सन 1500 और देके और रुक जाओ आज का दिन. चले भाई, मैं तो चला अभी कपड़ा बदलने के लिए, अभी फिर चालू. चलो तो फिर निकलते हैं यहाँ से, भी फटाफट कपड़ा चेंज करते हैं अभी यहाँ से. किधर है दीदी का फटा? हाँ जी, यहाँ फटा है. इतने जोर से कूद रहा है कि चड्डी फट जा रही है लोग की. चलो ए चलो अपना अपना, पहले ये सुनो मैं क्या बोला, बाहर का एक बार राउंड मारो, वॉक अराउंड कर लो, कुछ छुटा तो नहीं है, उसके बाद फिर अंदर करेंगे. हाँ लेकिन अच्छे का 6 फोन. ए भाई मेरा पैजामा उधर भीग रहा है, रुक जा. क्या यार तुम लोग नाश्ता भी एग्जैक्ट मतलब फिक्स है, आपको ज्यादा खाना तो अपनी खा सकते हो. एक जन के हिसाब से उसने 4 पाव दिया है, मिसल इधर दिया है और भुर्जी हम लोग ने मंगाया था, मतलब 4 मिसल 4 भुर्जी उसको बोला था. फरसान वो भी कम है, मतलब अब क्या ही बताओ, कंप्लेंट पे कंप्लेंट है. चलो एक बार इसको खा लेते हैं, सबको अच्छे से बताते. बाकी टेस्ट कैसा है? टेस्ट तो ठीक है, नॉर्मल एवरेज ना. चलो देखते हैं. हमने जब फर्स्ट टाइम विला बुक किया था ना, तो उसमें सीन क्या था ना, हम लोग ने खाना इंक्लूड नहीं किया था, तो उसमें हम लोग ने अपने हिसाब से खाना मंगाए थे, अपने हिसाब से सब किए थे, तो हो गया था मैनेजेबल था. पर ए टाइम कैसा था ना, मगजमारी ज्यादा था, तो हम लोग ने प्लानिंग किया था कि विद फूड हम लोग विला बुक करेंगे. हाँ तो हम लोग को क्या लगा था ना कि यहाँ पे प्रॉपर एक आदमी रहेगा जो अपने टाइम टू टाइम बना के देगा, खिलाएगा, या अपने कुछ एक्स्ट्रा चाहिए चाय कॉफी वगैरह हम लोग उससे मांग सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पे एक मार्केट है, इनका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे चलता है, हमको जो भी चाहिए उनको फोन करते हैं टाइम टू टाइम, और जो भी चीज आता है पर पर्सन विद पैकेट आता है. अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना है तो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा. अभी जैसे अभी हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता मंगाए थे, तो हम लोग ने 4 मिसल पाव बोला था, 4 भुर्जी पाव बोला था,
तो पर पर्सन उसने 4 पाव दिया था, मतलब किसको 6 पाव खाना तो नहीं खा सकता बराबर। पहले 3 बोला था, मेरे बढ़ाया, मेरे बढ़ाने। हाँ, उसने एक्चुअली पहले बोला था कि हम 3 पाव देंगे, बट हम लोग बोले भाई 3 पाव में क्या होता है, एटलीस्ट 4 पाव 5 पाव तो करो। बस ने 4 पाव मतलब एक मिसल पे 4 पाव दे रहा था। चलो ये हो गया, चाय मांगे तो वो क्या कर रहा है, रोड पे जो चाय वाला उससे चाय ला रहा, थैली में बांध के इधर ला के दे रहा, जो कि पूरा ठंडा हो जा रहा है, फिर उसको गर्म करके हम लोग को पीना पड़ रहा है। मतलब ही क्या हो रहा है यार, जब आप लोग अरेंजमेंट दे रहे हो तो अच्छे से दो, ताकि आदमी आए यहाँ पे खाए तो एंजॉय करे, 4 लोग को बोल सके। बट अभी ये सर्विस देख के तो मैं अभी कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँ कि इस विला में आओ करके। प्रॉपर आपको मैं नाम एड्रेस सब दिखाऊंगा इस विला का, ना आओ तो बेटर रहेगा आपको इधर पे। हाँ, दूसरी चीज में एसी जो है ना प्रॉपर वर्क नहीं करता है, फ्रिज है वो भी लेट ठंडा करता है, वो भी अगर उसको पावर मिलेगा तो ही ठंडा करेगा, अदरवाइज वो ठंडा नहीं होता है। बच्चा मेन चीज यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क तो गायब हो जाता है रह के, पावर बैंक सॉरी, और दूसरा क्या था अपना वाईफाई भी नहीं है, जो कि यहाँ पे लोग को एक चीज लगाना चाहिए, बट वाईफाई भी नहीं है यहाँ पे। देखो कॉफी दिया था पूरा ठंडा हो गया था, उसके बाद अभी हम लोग खुद कॉफी गर्म करके पी रहे हम लोग। चलो कोई नहीं, चलो अंकल कॉफी दे, शुरू के पियो। ठीक है ये अंकल ने बना के दिया, वो अच्छा है ये कॉफी, तो यहाँ पे केयर टेकर था उन्होंने हमको बना के दिया, काफी अच्छा कॉफी बना के दिया। अगर उसके कॉफी के भरोसे बैठते तो मुझे नहीं लगता अच्छा कॉफी मिलता। पैकिंग पूरा ऑल सेट डन, इधर बाइक डन, इधर बाकी पूरा गाड़ी में सामान वामान भर के हो गया अपना। ठीक है चलो फिर निकले यहाँ से, चलो बाकी अपने यहाँ के केयर टेकर। अंकल जरा इधर आओ, अंकल इधर आओ। ये मूसा फार्म के केयर टेकर, आपका नाम क्या अंकल? तेज सिंह राजपूत। ये रहते हैं यहीं पे सब है, इनका कांटेक्ट नंबर अब मिलता है कि किससे कांटेक्ट करना पड़ता है? नहीं इनको नहीं करना, वो तो एक डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट लिंक दिखा दूंगा, एक बार आप भी आके देखने, अगर आपको जमा तो अच्छा है, फैसिलिटी तो कुछ नहीं मिलेगा, बट ये अंकल है आपको फुल सपोर्ट करेंगे, जो भी चीज है ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपको मदद करेंगे। बाकी इधर आने के लिए कैसा रहेगा? डायरेक्ट स्टेशन से लवाली गांव डायरेक्ट, मतलब रिक्शा मिल जाती है यहाँ पे आने के लिए, डायरेक्ट रिक्शा मिलती ना। चलो तो फिर चलो अंकल, ठीक है चलो, थैंक यू इतना आपने सपोर्ट किया। चैनल का नाम बता, किस पे वीडियो आएगा बता। चलो बाय 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 बाय। साकी नगर सिग्नल पहुंच गए, रास्ते में कुछ था नहीं दिखाने को, एक बाइक वाला सुबह जल्दी निकल गया, तो अभी आने के टाइम पे हम लोग टोटल 3 लोग हैं। अब हार्डली यहाँ से 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, रेस्ट करेंगे फिर निकल जाएंगे अपने दूसरे काम पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, बाकी जो टोटल डिस्क्रिप्शन है आपको मैं टोटल डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी जो भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।